हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गौरव नरंजन आपका अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारवी तालुक में आप सभी का एकलव्य बैच 2021 में स्वागत करता हूं। एकलव्य बैच हम लोगों ने UPSI दरोगा जो वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उसके लिए एक बैच प्रारंभ किया है और इस बैच का नाम एकलव्य। इस बैच का नाम एकलव्य इसलिए दिया गया है क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो इस संसार में जो कलयुग का समय चल रहा है या यहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही हैं ना केवल भारत देश में बल्कि संपूर्ण विश्व में, वहाँ पर एक एकलव्य जैसा शिष्य होना बहुत ही मार्मिक बात हो जाती है और यह ऐसा शब्द हो जाता है जिसको शायद हर एक गुरु अपने विद्यार्थी में खोजना चाहता है। एक अच्छा छात्र, एक अच्छा विद्यार्थी, एक अच्छा शिष्य और वह शिष्य जो एकलव्य के समान हो ना, शिक्षा मिलते हुए भी जिसने अपने गुरु की प्रतिमा लगाकर बड़े से बड़े कार्य किए जो शायद एक वह व्यक्ति भी नहीं कर सकता है जिसको हमेशा गुरु का परामर्श प्राप्त होता हो। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी इस एकलव्य बैच में शामिल होंगे और इस एकलव्य बैच में हमेशा एकलव्य बनने की ही सोच रखेंगे। और यदि आपने एकलव्य बनने की सोच रख ली तो ये निश्चित है कि आपके कंधे पर सितारे होंगे, सीने में जुनून होगा और आपके माँ बाप का सम्मान से सर ऊंचा होगा। मैं गौरव नरंजन आपको भूगोल और पर्यावरण पढ़ाता हूँ। भली भांति मुझसे परिचित हैं, भली भांति आप इस बात से भी परिचित हैं कि मेरे पढ़ाने का ट्रेंड क्या है, मैं किस प्रकार से आपको क्लास में पढ़ाता हूँ और किस प्रकार से आपको मोटिवेट करता हूँ, किस प्रकार से क्लास में पढ़ाता हूँ और किस प्रकार से मोटिवेट करता हूँ। तो आप सभी से आग्रह है कि जो भी संस्थान के बच्चे हैं, जो भी संस्थान के सदस्य हैं, जो हमारे किसी ना किसी बैच में पढ़ रहे हैं, कृपया जरूर अपने सुझाव दें। जो आपके भाई बहन इस बैच में प्रवेश लेने वाले होंगे वह हमेशा यह चाहते होंगे कि मैं जहां पर भी प्रवेश लूं वहां पर हम लोगों को गाइडेंस जो है अच्छा मिले। तो हम सभी टीचर आपके द्रोणाचार्य बनने को तैयार हैं और आप भी हमारे एकलव्य बनने के लिए तैयार हो जाइएगा। नीचे स्क्रॉलिंग में जो नंबर दिए जा रहे हैं आप उन पर UPSI एंट्री लिखकर हमें सेंड कर दीजिएगा, बकाया मैं प्रक्रिया भी आपको समझाऊंगा। आज मैं तो ना तो आपको कोई नदी पढ़ाने आया हूं ना कोई जलप्रपात पढ़ाने आया हूं। आज हम लोग मिसलेनियस पढ़ेंगे। मिसलेनियस का अर्थ है कि देखिएगा 40 नंबर का GS आना है और उस 40 नंबर के GS में अगर बात की जाए तो मूल विधि और संविधान, साथ ही साथ करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल, इनका वेटेज अधिक रहता है, इनका वेटेज अधिक रहता है। लेकिन आपका जो भूगोल है, इतिहास है या आपका विज्ञान हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, यहां से अपेक्षाकृत एक परीक्षा में प्रश्नों की प्रवृत्ति आने की कम ही रही है। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको इसलिए पढ़ना है, ना केवल आपको सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना है बल्कि आपको पढ़ना है एक अच्छे एकलव्य बनने के लिए, एक ऐसा एकलव्य जिसके पास बहुत सारी सूचनाओं का भंडार हो, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान हो, जिसके पास बहुत सारी सूचनाएं संग्रहित हो, है ना। तो कभी भी इस माहौल में नहीं पढ़ना है कि यहां से क्वेश्चन नहीं आने वाले, इस वाले पार्ट को हम नहीं पढ़ेंगे, आज नहीं तो कल पढ़ाई एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो आज नहीं तो कल आपके कार्य आने वाली है। हम आज पढ़ने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र, जैसा कि हमने थंबनेल में भी लिखवाया है, भारत के महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों को मैं समझाऊंगा और एक एक करके लगभग 2 लेक्चर में मैं भारत के संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों को आपको पढ़ा दूंगा। भारत के संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों को 2 लेक्चर में आपको पढ़ा दूंगा। ऐसे लोग जो हमारे किसी न किसी बैच में हमसे पढ़ चुके हैं वह यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं अपनी चीजों का, और ऐसे लोग जो पहली बार पढ़ रहे हैं आप देखिएगा और जरूर कमेंट कीजिएगा ईमानदारी पूर्वक कि आपको क्लास में मजा आया या फिर आपने क्या क्या नई चीजें सीखी हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले आज हम आपको भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से वाकिफ कराने चल रहे हैं। भारत के पर्वतीय क्षेत्र, यहां पर मैंने भारत का मानचित्र लगाया हुआ है और इस भारत के मानचित्र में जो भी आपको ब्राउन कलर से लाइनिंग दिख रही है, यह सभी लाइनिंग जो है एक पर्वतीय क्षेत्रों की है। यहां पर एक पर्वतीय क्षेत्र है अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ये कौन सा है, अरावली पर्वतीय क्षेत्र है। विंध्यन रेंज है, विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र है। सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र है, यहां पर पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र है, यहां पर एक पूर्वी घाट का पर्वतीय क्षेत्र है। आगे बढ़ा जाए तो यहां पर हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र है। यहां पर क्या है तो यहां पर आपके हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र हैं, ठीक ना। अब जो ये महत्वपूर्ण पर्वत हैं, इन्हीं पर्वतों को अलग अलग स्थानों पर
अलग अलग नामों से परिभाषित भी किया गया है। तो अगर आप मानचित्र देखेंगे तो एक ही पर्वत होगा और लेकिन उस पर्वत के कई सारे नाम लिखोगे, कई सारी छोटी छोटी पहाड़ियां भी हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंस जान लेते हैं कि एक पर्वत यानी माउंटेन्स और पहाड़ी में अंतर क्या होता है। कहीं पर भी आपको शब्द मिलेगा पहाड़ी, कहीं कहीं पर आपको शब्द मिलेंगे पर्वत, ठीक ना। तो यहां देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो धरातल के सबसे ऊंचे उच्चावच, धरातल के सबसे ऊंची स्थलाकृति या धरातल के सबसे ऊंचे उच्चावच, अच्छे समझिएगा, धरातल की सबसे ऊंची स्थलाकृति या धरातल के सबसे ऊंचे उच्चावच जिनकी सामान्य तौर पर ऊंचाई समान धरातल से, जिनकी सामान्य तौर पर समान धरातल से ऊंचाई जो है वो 1000 मीटर, 1000 मीटर या इससे अधिक हो, 1000 मीटर समान धरातल से जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर या उससे अधिक हो, साथ ही साथ इनका जो आधार है निचला वाला भाग, ये आधार है, इनका आधार कैसा होना चाहिए, तो इनका जो आधार है वह चौड़ा हो, आधार कैसा हो, चौड़ा हो, शिखर जो सबसे ऊपर वाला भाग है, शिखर इनका कैसा होना चाहिए, तो इनका जो शिखर है वो नुकीला हो, शिखर कैसा हो, तो शिखर नुकीला हो, साथ ही साथ इनके पास ढलान पाई जाती हो, ढलान मतलब हम कह सकते हैं स्लोप पाए जाते हो, ढलान या स्लोप पाए जाते हो, तो यहां पर क्या पाए जा रहे हैं, ढलान पाए जा रहे हैं या स्लोप पाए जा रहे हैं, ठीक ना, ढलान या स्लोप या ढाल कह सकते हैं हम। तो सामान्य तौर पर एक ऐसी संरचना जो पृथ्वी पर सर्वाधिक ऊंची है या धरातल पर जो सबसे ऊंची होती है, आधार चौड़ा होता है, शिखर नुकीला होता है, ढलान पाई जाती है, तो ऐसी स्थलाकृति को हम पर्वत कहते हैं और पर्वतों की सामान्यतः ऊंचाई 1000 मीटर या उससे अधिक होनी चाहिए, 1000 मीटर मिनिमम, 1000 मीटर अधिकतम कितनी भी हो सकती है। और पर्वतों का जो सबसे ऊपरी वाला भाग होगा उसको हम पीक अर्थात चोटी कहेंगे, पर्वतों का जो सबसे ऊपर वाला भाग होगा उसको हम पीक अर्थात चोटी कहते हैं। तो यदि 1000 मीटर या उससे अधिक ऊंची संरचना है तो इसे हम माउंटेन अर्थात पर्वत कहते हैं, तो इसे हम माउंटेन अर्थात पर्वत कहते हैं। और मान लीजिएगा यही सभी विशेषताएं पाई जाए, आधार चौड़ा हो, शिखर नुकीला हो, ठीक ना, ढलान पाई जाए, लेकिन ऊंचाई जो हो वो 1000 मीटर से कम हो, यानी ऊंचाई जो है वो 800 से 1000 मीटर के मध्य में हो, 800 से किसके मध्य में हो, 1000 मीटर के मध्य में हो, तो ऐसी संरचना को नाम दिया जाएगा पहाड़ी यानी हिल, तो ऐसी संरचना को नाम दिया जाता है पहाड़ी अर्थात हिल, पहाड़ी, ठीक ना, 1000 मीटर से 1000 मीटर, है ना, यहां पर 100 लिख दिया मैंने, तो 1000 मीटर से कम होनी चाहिए तो पहाड़ी है, और 1000 मीटर से अधिक ऊंची होगी तो पर्वत है। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, आप अलग अलग किताबों में पढ़ेंगे तो अलग अलग आपको डेफिनेशन भी मिल जाएगी। आपको केवल इतना याद रखना है कि जो आधार है चौड़ा है, शिखर कैसा है, नुकीला है, तो एक पर्वत हो गया, कौन सा हो गया, क्या हो गया, पर्वत। तो हमने पर्वत के बारे में बताया, धरातल पर सर्वाधिक ऊंची जो स्थलाकृति होती है उस स्थलाकृति को हम पर्वत के नाम से जानते हैं। भारत में कई सारे पर्वत हैं, भारत में कई सारे पर्वत हैं, जैसे यहां से प्रारंभ करेंगे अगर उत्तर से तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, कई सारी वीडियो क्लास में, कई सारी पब्लिक क्लास में मैंने हिमालय के बारे में आपको समझाया है, आपकी भी क्लास में समझाऊंगा, इतने बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि आपके कभी भी हिमालय से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होंगे। यहां पर एक पर्वतीय क्षेत्र है अरावली पर्वतीय क्षेत्र, अरावली पर्वतीय क्षेत्र के बाद विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र है आपका, सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है, यहां पर दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र है, नाम सुने होंगे नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, है ना। तो बकायदा एक एक से हम मानचित्र बनाएंगे और एक एक से उन सभी को समझाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला प्रारंभ हो रहा है इस वाले मानचित्र, साफ दिख रहा है थोड़ा सा, है ना। तो पहला हम जो आपको पर्वत पढ़ाने चल रहे हैं, पहला जो माउंटेन हम पढ़ाने चल रहे हैं, उस माउंटेन का नाम है अरावली, उस माउंटेन का नाम क्या है, तो यहां पर जो हम पर्वत आपको पढ़ाने चल रहे हैं इस पर्वत का नाम है अरावली, जो भारत में अगर देखा जाए तो इस प्रकार से फैला हुआ है, अर्थात ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फैला हुआ है। ऐसा कर देंगे, अगर ऐसा करेंगे तो देखिएगा ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो नॉर्थ और ईस्ट का बीच क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, और ये कौन सा है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, साउथ और वेस्ट का कौन सा हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। तो जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, इस अरावली पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार, जो आपका ये अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, मैं फिर से बना रहा हूं, देखिएगा,
तो जो आपका अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, ये अरावली पर्वतीय क्षेत्र यहां पर फैला हुआ है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फैला हुआ है। कभी भी आप कोई भी पर्वत पठार मैदान पढ़िएगा, सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन यही होना चाहिए, जैसा कि हम सोच रहे हैं वैसा ही एग्जामिनर भी सोचता है, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही एग्जामिनर सोचता है। भाई एग्जामिनर भी तो एक टीचर है। सबसे पहले जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको जब पढ़ाते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आना चाहिए कि सर यदि ये पर्वत है तो इसका विस्तार कहां पर है। सबसे पहला विस्तार, है ना। मैं एक अलग मानचित्र बना रहा हूं, देखिएगा। ये आपका इस प्रकार से अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, इस प्रकार से फैला हुआ है अरावली पर्वतीय क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फैला हुआ है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, जहां से प्रारंभ हो रहा है अर्थात नॉर्थ ईस्ट से। यहां पर भारत का एक तो केंद्र शासित राज्य है और दूसरा भारत का जो है वो राज्य है दिल्ली और हरियाणा। दिल्ली हरियाणा की सीमा से प्रारंभ होता है, तो दिल्ली भी लिख लेंगे हम और साथ ही साथ हरियाणा भी लिख लेंगे। तो दिल्ली हरियाणा की सीमा से प्रारंभ होता है अरावली माउंटेन और गुजरात तक फैला है, लेकिन गुजरात पहुंचने से पहले इसे किस राज्य से गुजरना पड़ता है, राजस्थान, और राजस्थान के बाद कहां पहुंच जाता है, तो राजस्थान के बाद पहुंच जाता है गुजरात में। राजस्थान के बाद कहां पहुंच जाता है, गुजरात में। तो अरावली पर्वतीय क्षेत्र का जो विस्तार है दिल्ली हरियाणा से लेकर कहां तक है, गुजरात और साथ ही साथ राजस्थान में, ठीक ना। समझिएगा, अरावली जो माउंटेन है आपका, अरावली, अच्छे समझिएगा, पहली बात तो यह अरावली पर्वत नहीं है। अरावली के अंतर्गत कई सारे पर्वत हैं और जब कई सारे पर्वत होते हैं तो इन्हीं को सम्मिलित रूप से हम पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो अरावली क्या है, अरावली एक पर्वत श्रेणी है। अरावली क्या है, तो अरावली याद रखिएगा, अरावली क्या है, तो अरावली एक पर्वत श्रेणी है, इस बात को याद रखना है आपको, ठीक है, इस बात को याद रखना है। दूसरी बात समझिएगा, अरावली जो है वो एक मोड़दार पर्वत है और मोड़दार पर्वतों को हम वलित पर्वत भी के नाम से भी जानते हैं, फोल्डेड माउंटेन, मोड़दार या वलित पर्वत। तो मोड़दार या वलित पर्वत ऐसे पर्वतों को कहते हैं जिनकी संरचनाएं इस प्रकार से होती है। यदि किसी पर्वत की संरचना इस प्रकार से है तो इसको हम मोड़दार या वलित पर्वत के नाम से जानते हैं। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि इस प्रकार से तरंगें चलती हैं, एक सरंग होता है, एक गर्त होता है, उसी प्रकार पर्वतों में भी ये अपनति होती है और ये अभिनति होती है। अपनति ऊपर वाला और अभिनति नीचे वाला। तो अपनति यानी सबसे ऊंचा होता है और सबसे ऊंचे वाले भाग को हम चोटी कहते हैं, और अभिनति जो होती है वो सबसे नीचे वाली होती है जिसको हम घाटी कहते हैं। तो ऐसा पर्वतीय क्षेत्र, चोटियां तो प्रत्येक ना प्रत्येक पर्वत का कोई ना कोई एक सबसे ऊंचा स्थान होगा, कोई ना एक कोई एक उसकी सबसे ऊंची चोटी होगी। तो प्रत्येक पर्वत में चोटी होना यह तो क्लियर है, लेकिन हो सकता है कि प्रत्येक पर्वत के पास घाटी ना हो। तो ऐसे पर्वत जहां पर चोटियों के साथ साथ घाटियों का विकास हुआ हो, अर्थात ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके निचले क्षेत्रों में, ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके निचले क्षेत्रों में घाटियां पाई जाती हों, तो ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों को हम मोड़दार पर्वत के नाम से जानेंगे। और मोड़दार पर्वत इसलिए बने जब दो प्लेटें टकराई, और जब प्लेटें टकराती हैं तो वल लगाती हैं, इसलिए मोड़दार पर्वतों को हम वलित पर्वत के नाम से भी जानते हैं। मोड़दार पर्वत को हम किस नाम से जानते हैं, तो मोड़दार पर्वत को हम एक नाम और दे देते हैं, वलित पर्वत। तो अरावली जो पर्वत श्रेणी है, याद रखिएगा, यह मोड़दार या वलित पर्वत का उदाहरण है, मोड़दार या वलित पर्वत का उदाहरण है। साथ ही साथ भारत में जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, उन सभी पर्वत या उन सभी पर्वत श्रृंखलाओं में अरावली जो है वो सबसे प्राचीन है। अरावली का निर्माण सबसे पहले हुआ पृथ्वी की उत्पत्ति के समय, लगभग 1600 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था, इसलिए हम कह सकते हैं कि अरावली एक प्राचीन पर्वत है। तो अरावली प्राचीन, मोड़दार या वलित पर्वत है, अरावली प्राचीन, मोड़दार या वलित पर्वत है। और अगर ये प्राचीन है तो आपसे भी पूछेगा कब इसका निर्माण हुआ था, तो ज्योग्राफी में टाइम पीरियड होते हैं, सेनोजोइक महाकल्प, मेसोजोइक, है ना, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, कई सारे युग होते हैं। तो उसी में से एक युग है जो सबसे पहले का युग है, प्री कैम्ब्रियन युग, आज से लगभग 1600 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना है। तो इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था,
प्री कैम्ब्रियन युग। तो ये याद रखिएगा, अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। अब एक बात और समझिएगा यहां पर कि ऐसे पर्वत जो प्राचीन होते हैं, वो पर्वत अपने जीवन काल की अंतिम अवस्था में होते हैं। मान लीजिएगा जब अरावली का विकास हुआ या अरावली का जब निर्माण हुआ तो अरावली इतना ऊंचा था, धीरे धीरे जो है पर चट्टानें टूटेगी फूटेंगी, और चट्टान के टूटने फूटने की प्रक्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षय, इंग्लिश में वेदरिंग बोलते हैं। वर्षा हुई या तेज हवाएं चली तो चट्टान जब टूट फूट जाएगी तो वर्षा होने के कारण या तेज हवाएं चलने के कारण वह जो मिट्टी है, जो चट्टानें टूट गई हैं, उस मिट्टी को अपने साथ उड़ा ले जाएगी। अगर हवाएं हैं तो उड़ा ले जाएगी, पानी है तो बहाकर ले जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि धीरे 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 इस पर्वत का जो है आकार क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। चाहे तो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, यदि इस ब्रह्मांड में यदि उसका निर्माण होता है तो उसका विनाश भी तय है। आज हम और आप हैं, युवा हैं हम और आप, जितनी हमारी हाइट है उतनी ही हाइट के साथ चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा और आपका बुढ़ापा आएगा वैसे वैसे हमारा आकार धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। हमारी मांसपेशियां उतने अच्छे से कार्य नहीं करेंगी, हम उतने सशक्त नहीं रहेंगे। धीरे धीरे हमारी और आपकी मांसपेशियां, हमारी हड्डी क्या होने लगेंगी, कमजोर होने लगेंगी। हमें एक लाठी की आवश्यकता पड़ती है, लाठी जिसको बैंत भी बोलते हैं, उसके सहारे हम धीरे 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 हमारा आकार छोटा हो जाएगा, हम धीरे धीरे उसके सहारे धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं। और जब व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में हो जाता है, आप देखिएगा यदि 6 फुट 7 फुट का व्यक्ति है, 7 फुट तो अपवाद हो जाता है, 6 फुट या 5.5 फुट का व्यक्ति है तो जब वो मरणासन्न अवस्था में होगा, आप देखिएगा शायद 3-3.5 फुट का बचता है, तो आधा फुट सीधा 6 से 3.5 हो गए, 2.5 फुट कहां गया, तो मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, उनमें क्या हो जाता है, संकुचन हो जाता है। वैसे पर्वतीय क्षेत्रों में है, धीरे 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 पर्वत का कटाव होगा, और कटाव की प्रक्रिया को अपरदन कहा जाता है, इंग्लिश में इरोजन बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि अरावली जो है यह एक प्राचीन पर्वत है, और अरावली प्राचीन पर्वत होने के कारण यह एक अपरदित पर्वत है। कैसा है? अपरदित पर्वत है। और अपरदित पर्वत को हम एक नाम और दे देते हैं, अवशिष्ट पर्वत। यह अपने जीवन काल की अंतिम अवस्था में है इसलिए अवशिष्ट पर्वत। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, या कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का अपरदित पर्वत कौन सा है, अरावली। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, अरावली। अरावली का विस्तार कहां से है, दिल्ली हरियाणा से लेकर राजस्थान और राजस्थान से लेकर गुजरात तक। अगर आप गौर से देखिएगा, बड़ा बड़ा आंख करके देखिएगा तो आपको दिखेगा कि 3 राज्य हैं, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, और एक केंद्र शासित राज्य है जिसका नाम है दिल्ली। ऐसे लोग जो इस परीक्षा को देने में समर्थ हैं, उनके लिए एकलव्य बैच चलाया जा रहा है संस्थान की ओर से। यूपीएसआई 2021 के लिए एकलव्य बैच, निश्चित ही सफलता मिलेगी। जो भी बातें रवि सर ने आपसे कही हैं, जो भी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट, मैराथन क्लास है, लाइव क्लास है, वो सब आपको विधिवत दी जाएंगी। जो भी हमारे बच्चे हैं जो पहले से किसी ना किसी बैच में पढ़ रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको इंट्री यूपीएसआई 2021 लेकर भेजना है। व्हाट्सएप ही कीजिएगा, टेक्स्ट मैसेज मत कीजिएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेजना है। एडमिशन से संबंधित प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी और आपको बेहतरीन तरीके से आपकी क्लासें कुछ ही समय के बाद संचालित होने लगेंगी। आइएगा यहां देखिएगा, तो अरावली एक प्राचीन मोड़दार अपरदित या अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। हमारी इतनी बात हुई है, अब इसके आगे बढ़ रहे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या मैं दूसरे पेज में बना देता हूं, इसमें बना देता हूं, कुछ चीजें और हैं। क्योंकि अरावली का अपरदन हो रहा है इसलिए अरावली की ऊंचाई अन्य पर्वतों की अपेक्षा बहुत ही कम है, और इसकी ऊंचाई हर एक जगह पर कम होगी। और दिल्ली में अरावली को रायसीना पहाड़ी, रायसीना पहाड़ी कहा जाता है, या क्या कहा जाता है,
दिल्ली रिज कहा जाता है, अच्छे समझिएगा। और दिल्ली या दिल्ली रिज या रायसीना पहाड़ी, और इसी रायसीना पहाड़ी या इसी दिल्ली रिज पर क्या है, एक भवन निर्मित है और इस भवन का नाम है राष्ट्रपति भवन। यहाँ पर एक भवन निर्मित है जिसका नाम है राष्ट्रपति भवन। आप लोग कई बार सुनते होंगे, कोई भी देश का, किसी भी दूसरे देश का यदि राष्ट्राध्यक्ष आता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो राष्ट्रपति हो, यदि वो हमारे राष्ट्रपति से या प्रधानमंत्री महोदय से वो राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करता है, किसी भी प्रकार की मीटिंग होती है, तो इस संवाद की प्रक्रिया को, इस वार्तालाप की प्रक्रिया को एक नाम दिया जाता है, नाम दिया जाता है रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग, रायसीना पहाड़ी है और डायलॉग को हिंदी में बोलते हैं बातचीत। तो वो क्या करते हैं, रायसीना में बातचीत करते हैं और उसी को रायसीना डायलॉग के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो रायसीना पहाड़ी पर ही राष्ट्रपति भवन निर्मित है, ठीक ना। आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। अब देखिएगा, ये जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, इस अरावली पर्वतीय क्षेत्र पर विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। भारत में 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़, कोडप्पा, विंध्यन, ठीक ना, गोंडवाना क्रम की चट्टान और बेसाल्टिक चट्टान, ये 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। उनमें से अरावली पर्वतीय क्षेत्र में, उसमें से अरावली पर्वतीय क्षेत्र में जो चट्टानें पाई जाती हैं वह है विंध्यन क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान। कौन सी चट्टान पाई जाती हैं? तो इन यहां पर विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, और विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं, अच्छे समझिएगा, ये विंध्यन क्रम की चट्टानों से आधात्विक खनिजों की प्राप्ति होती है। कौन से खनिज की? आधात्विक खनिज। आधात्विक खनिज ऐसे खनिजों को कहते हैं जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाएगा। आधात्विक खनिज ऐसे खनिज को कहते हैं जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे जैसे संगमरमर। एक कलर दिख रहा है, चलेगा, हाँ, जैसे संगमरमर, संगमरमर, जैसे बालू का पत्थर, संगमरमर, जैसे बालू का पत्थर, जैसे जिप्सम, और जिप्सम के साथ साथ क्या आ जाएगा आपका, चूना पत्थर, लाइमस्टोन बोला जाता है इंग्लिश में, और साथ ही साथ आपका सेल खड़ी, जिसको हम चाक नाम से भी जानते हैं, सेल खड़ी या चाक। तो ये सब क्या है, ये आधात्विक खनिज है, और अगर आप देखिएगा तो इन सभी का उपयोग किसी भी भवन के निर्माण में बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर इनका उपयोग किया जाता है, और बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर इनका उपयोग किए जाने के कारण ही संगमरमर, बालू का पत्थर, जिप्सम, चूना पत्थर, सेल खड़ी को क्या नाम दिया जाता है, भवन निर्माण सामग्री। क्या नाम दिया जाएगा, तो नाम दिया जाता है भवन निर्माण सामग्री। क्या नाम दिया जाता है, तो इसको नाम दिया जाता है भवन निर्माण सामग्री। ए भी पॉइंट आपको याद रखना है, यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। बोलिए, क्लियर है? क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा मैं अस्वस्थ हूं, इसलिए हो सकता है कि आपको आवाज थोड़ी सी हमारी मोटी समझ में आए, ठीक है। अब देखिएगा, अरावली, ये अरावली है, दिख रहा है आपको अरावली, और अरावली में यहां पर राजस्थान का क्षेत्र जो है, यहां पर एक झील है अरावली में और राजस्थान में, और इस झील का नाम भी बखूबी जानते होंगे, सांबर झील, खारे पानी की झील है सांबर झील, ठीक ना। तो यहां हम बना देते हैं, मान लीजिएगा इस प्रकार से ये आपका अरावली पर्वत है, यहां लिख दे रहे हैं, समझ ही रहे हैं, अरावली पर्वत है, यहां पर दिल्ली डी और एच लिख दे रहे हैं, दिल्ली और एच आर, दिल्ली और हरियाणा से है, यहां पर आर जे है राजस्थान है, और यहां पर जी और जे गुजरात है। जी और जे क्या है यहां पर, तो यहां पर गुजरात है। यहां पर राजस्थान में एक झील है, यहां पर राजस्थान में एक झील है और इस झील का नाम है सांभर लेक, सांभर झील। यहां पर एक झील है और इस झील का नाम है सांभर झील। कौन सी झील है, तो यहां पर जो झील है उस झील का नाम है सांभर झील। सांभर झील से एक नदी निकलती है, तो नदी जब यहां से निकलेगी तो नदी ने अरावली पर्वत का यहां पर कटाव कर दिया। नदी इस प्रकार से बहती है, और इस नदी को भी बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग, इस नदी का नाम है लूनी नदी।
लूनी, LUNI, इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है आपकी लूनी नदी। चलिए हम दूसरे कलर का पेन यूज करेंगे। अब तो यहां पर एक नदी है, नदी का नाम है लूनी नदी। आप इस वाले डायग्राम को देखिएगा और इस वाले डायग्राम को मैं क्या करता हूं, आपको जूम कर देता हूं, ठीक ना, याद देखिएगा, ठीक ना। अब आपको दिख रहा होगा थोड़ी सी चीजें, बिल्कुल दिख रही है। यहां देखिएगा, पहले इसको लॉक कर लूं नहीं तो गायब हो जाएगा। यहां देखिएगा, यहां पर आपका ये अरावली माउंटेन है और यहां से आपको एक साफ साफ एक नदी बहती हुई दिखाई दे रही है, लूनी आर। लूनी लिखा है LUNI, लूनी रिवर। तो ये लूनी रिवर बह रही है इस प्रकार से, और ये वाला जो क्षेत्र है एक कच्छ का रण है और ये कौन सा है, एक काठियावाड़ प्रायद्वीप है। तो यहां पर लूनी नदी इस प्रकार से आ रही है और कच्छ का रण में ये चली जा रही है। कच्छ का रण में लूनी नदी जाती है, तो हम इसमें बना लेते हैं पहले। तो लूनी नदी कहां गई, एक मिनट रुकिएगा, यहां इसको यहां पर लेते आए। तो ये मान लीजिएगा ये ब्लू कलर से बना देते हैं, हो सकता है ना देखे आपको। तो ये नदी बह रही है, लूनी नदी है, और लूनी नदी कच्छ का रण में, अच्छे समझिएगा मैं कैसा यूज कर रहा हूं, लूनी नदी कच्छ का रण में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी कच्छ का रण में विलुप्त हो जाती है का तात्पर्य है कि बाबू जो आपका कच्छ का रण है, इस कच्छ के रण में रेत पाई जाती है। जो आपका कच्छ का रण है, इस कच्छ का रण में क्या पाई जाती है, तो इस कच्छ का रण में रेत पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रेत। और जैसे ही लूनी नदी कच्छ का रण में प्रवेश करती है, तो क्या हो जाता है, हो ये जाता है कि जो कच्छ के रण की रेत है, जो कच्छ का रण है, जो यहां की रेत है, यह रेत क्या करती है, यह रेत संपूर्ण जल को एब्जॉर्ब कर लेती है। कच्छ का रण में रेत है और रेत क्या करती है, जल को अवशोषित एब्जॉर्ब कर लेती है, जल को अवशोषित कर लेती है, क्योंकि इसकी सांद्रता इसकी अवशोषित कर लेती है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी सांद्रता, इसकी जल धारण करने की क्षमता रेत की क्या होती है, अधिक होती है। सबसे ज्यादा जल धारण करने की क्षमता रेत की होती है, क्योंकि इसके कण बहुत महीन होते हैं। तो जैसे ही रेत में आएगी, और रेत ये कहां पर है, तो यह रेत आपकी कच्छ का रण में है। यह रेत आपकी कहां पर है, तो यह रेत आपका कच्छ का रण में है। और कच्छ का रण कहां है सर, गुजरात में है। कच्छ का रण कहां है, गुजरात में है। तो कच्छ का रण में जैसे ही नदी आती है, कौन सी, लूनी नदी, लूनी नदी के संपूर्ण जल को कच्छ के रण में पाए जाने वाली रेत एब्जॉर्ब कर लेती है। कच्छ के रण में पाए जाने वाली रेत लूनी नदी के जल को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब यह नदी कच्छ के रण के नीचे, धरातल के नीचे प्रवाहित हो रही है। ऐसी नदी जो धरातल के नीचे प्रवाहित होती हैं, ऐसी नदियां जो धरातल के नीचे प्रवाहित होती हैं, इन नदियों को क्या नाम दिया जाता है, तो इन नदियों को नाम दिया जाता है अंतः अपवाह नदी। तो ऐसी नदियों को क्या नाम दिया जाता है, ऐसी नदी को नाम दिया जाता है अंतः अपवाह नदी। तो लूनी नदी किस प्रकार की नदी है, अंतः अपवाह नदी है। अंतः अपवाह का मतलब है ऐसी नदियां जो धरातल के नीचे बहती हैं। भारत में एकमात्र अंतः अपवाह नदी है, और भारत में जो एकमात्र अंतः अपवाह नदी है, उस नदी का नाम है लूनी। लूनी नदी पिछली बार PCS के परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत की वह कौन सी नदी है, भारत की वह कौन सी नदी है जिसका पानी कुछ क्षेत्रों तक खारा है और कुछ क्षेत्रों तक मीठा है। तो वह नदी जिसका पानी कुछ क्षेत्रों में खारा है और कुछ क्षेत्रों में मीठा है, लूनी। यानी लूनी नदी में खारा एवं मीठा दोनों प्रकार के जल पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के जल पाए जाते हैं। खारा और मीठा दोनों प्रकार के जल पाए जाते हैं, इसको आपको याद रखना है। दोनों प्रकार का जल पाया जाएगा लूनी नदी। अगर मैं आपसे पूछूं बाबू, सोच समझ के बताइएगा कि लूनी नदी का संबंध कितने राज्यों से, सर दो राज्यों से है, राजस्थान से है क्योंकि राजस्थान की ही सांभर झील से निकल रही है, और गुजरात से क्योंकि गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जा रही है। अगला देखिएगा, अभी कहानी समाप्त नहीं हुई, अगला देखिएगा, पढ़ा रहा हूं मन से और मन से ही आपको पढ़ना है, वीडियो को शेयर भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। जो भी जरूरतमंद है, जिनकी ऊंचाई है और जो एकलव्य बैच में शामिल हो सकते हैं,
दरोगा बन सकते हैं, जिनके कंधों पर सितारे चमक सकते हैं, जिनके सीने में जोश हो सकता है, और जो अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हो, अपना सपना पूरा करना चाहते हो। बाबू आज तक मैंने कभी भी नहीं कहा, लेकिन आज कह रहा हूं, उन लोगों को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, उन लोगों को जरूर सजेस्ट कीजिएगा, हमारे बारे में बताइएगा, टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के बारे में बताइएगा। हमारे प्रिय और वास्तव में बहुत ही प्रिय है, माननीय है रवि तिवारी सर के बारे में बताइएगा, हमारे बड़े भाई संदीप तिवारी सर के बारे में बताइएगा, आलोक सर के बारे में, हमारी टीम के बारे में बताइएगा कि हम लोग किस प्रकार से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। पैसा जरूर लेते हैं आपसे, लेकिन आप देखिएगा जो आपसे पैसा लेते हैं उस पैसे की कीमत में आपको इतनी ज्यादा शिक्षा देते हैं, शायद ही कोई भी, हमसे भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूट होगा जो हम हमारे बराबर का ना तो आपको सपोर्ट करता होगा, ना ही इतनी अच्छी बेहतरीन शिक्षा देता होगा, सब कुछ किया जाता है आपके लिए। तो ऐसे लोग ना के देखिएगा, हम लोगों को पैसे की चेष्टा नहीं है, हम लोगों को चेष्टा है कि वह लोग जो इस परीक्षा को दे सकते हैं, पहली बात तो इस परीक्षा को हर कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, जिनकी ऊंचाई और शारीरिक रूप से जो दक्ष है वही व्यक्ति इसको दे सकता है, वही विद्यार्थी इसको दे सकता है। तो जरूर उसे सजेस्ट कीजिएगा, यहां पर लाइएगा, वो पढ़ेगा तो वो बढ़ेगा आगे और उसका भविष्य उज्जवल होगा, न केवल उसका, उसके माता पिता को भी आपकी दुआएं लगेंगी, ठीक ना। चलिएगा तो यहां पर आइएगा, कच्छकरण में विलुप्त हो जाती कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। यहां देखिएगा अरावली, मैंने आपको बताया कि अरावली पर्वत नहीं है बल्कि अरावली पर्वतीय श्रेणी है या पर्वतीय श्रृंखला है, और यहां पर यहां पर एक पहाड़ी है, कई सारी पहाड़ियां हैं, तभी तो कई सारी पहाड़ियों के होने के कारण ही अरावली को हम पर्वतीय पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। तो यहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है माउंट आबू पहाड़ी, नाम सुने होंगे माउंट आबू, और माउंट आबू पहाड़ी राजस्थान में है, आरजी राजस्थान में है। इसी माउंट आबू पहाड़ी पर एक चोटी है, चोटी को हम डेल्टा से बनाते हैं, और इस चोटी का नाम है गुरु शिखर चोटी, यहां पर एक चोटी है और इस चोटी का नाम है गुरु शिखर चोटी, क्या नाम है, तो यहां पर जो चोटी है इस चोटी का नाम है गुरु शिखर चोटी, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1722 मीटर इसकी क्या है, तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये भी याद रख लीजिएगा, आमतौर पर ऊंचाई नहीं पूछी जाती है। ये जो गुरु शिखर चोटी है ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही साथ माउंट आबू पहाड़ी की भी सबसे ऊंची चोटी है, और माउंट आबू पहाड़ी कहां, राजस्थान में, तो राजस्थान राज्य की भी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी चोटी है, तो आपकी गुरु शिखर चोटी है। राजस्थान में इस वाले क्षेत्र से यहां से एक नदी निकलती है, अरावली पर्वत से होते हुए एक नदी बह रही है, इस नदी का नाम है वनास नदी, आगे जाके चंबल नदी, इसमें चंबल नदी से मिल जाती है। तो यहां पर जो नदी है ये मिट गया है, मैं नदी का नाम ऊपर लिख दे रहा हूं, जो ग्रीन कलर से बना रहे हैं हम, ये जो नदी है इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम याद रखिएगा वनास नदी, इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है वनास नदी, ठीक ना। राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी वनास है। यहां पर आते आते आपका अरावली पर्वत क्षेत्र, अरावली पर्वतीय श्रृंखला फिनिश होती है, समाप्त होती है, अभी जाना नहीं है, रुकिएगा। अरावली के साथ साथ आपको मैं आज एक और पर्वत से अवगत करा देता हूं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना, पहले आप इस वाले का एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कच्छकरण किस नदी के कारण दलदल भूमि में परिवर्तित होता जा रहा है, तो कच्छकरण जिस नदी के कारण दलदल भूमि में परिवर्तित हो जा रहा है उसका नाम है लूनी नदी। लूनी नदी अंतापवाय नदी है, धरातल के नीचे बहती है, और इस एक ऐसी नदी है जिसमें कुछ क्षेत्रों तक पानी खारा है और कुछ क्षेत्रों में पानी मीठा है, कुछ क्षेत्रों में खारा है और कुछ क्षेत्रों में मीठा है। अगला आइएगा, इसी में एक पर्वतीय क्षेत्र अभी हम और पढ़ेंगे, और इसमें जो एक पर्वतीय क्षेत्र में आपको और पढ़ाने चल रहा हूं उसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जो आपको मानचित्र में यहां पर दिख रही है, ये आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, कौन सी पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के नीचे यहां पर एक और पर्वत श्रेणी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तो देखिएगा पहले हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी को समझते हैं। अगर मैं डायग्राम बनाऊं एक स्वच्छ सा डायग्राम, तो विंध्याचल यहां पर है,
यहां पर एक पर्वत है, ये है विंध्याचल, वी फॉर विंध्याचल। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। मैं इसलिए लिंक है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं आपको। अभी मैंने बताया कि अरावली पर्वतीय क्षेत्र में भी विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और ये विंध्यन क्रम की चट्टानों का नाम विंध्याचल पर्वत के नाम पर ही तो पड़ा, विंध्य और विंध्याचल। तो विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र में भी कौन सी चट्टानें पाई जाएंगी? तो विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र में भी विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं इनसे अधात्विक खनिजों की प्राप्ति होती है, याद रखिएगा। तो जैसा कि हमने यहां पर समझाया था उसी प्रकार आइएगा, यहां पर भी हम कुछ नॉलेज आपको देते हैं। तो एक पर्वत है हमारे पास जिसका नाम है विंध्याचल, अच्छे समझिएगा, विंध्याचल पर्वत। अगर सबसे पहले हम विंध्याचल पर्वत के विस्तार की बात करें तो ये गुजरात से प्रारंभ होता है, यहां पर यूपी है और एमपी है और फिर ये बिहार तक चला जाता है। कहां तक चला जाता है? फिर यह चला जाता है बिहार तक, बिहार तक ये जाता है, अच्छे समझिएगा। तो गुजरात, यूपी, एमपी और बिहार में इसका विस्तार है। कौन से पर्वत का? विंध्याचल। कई बार हमारे और आपके दिमाग में यह क्वेश्चन बहुत बार आता होगा कि भारत, एक हमने नाम सुना है उत्तर भारत, हम लोग उत्तर भारत में हैं, और एक है दक्षिण भारत। तो कहां से कहां तक हम उत्तर भारत को माने और कहां से कहां तक हम दक्षिण को भारत को माने? तो विंध्याचल पर्वत है आपके पास और विंध्याचल पर्वत के जो नीचे वाला भारत है जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं यह दक्षिण भारत है, जबकि विंध्याचल पर्वत के ऊपर वाला भारत है जिसको हम उत्तर भारत के नाम से जानते हैं। तो विंध्याचल पर्वत के बारे में पहली जानकारी तो ये हुई कि विंध्याचल पर्वत जो है वह भारत का विभाजक है। विंध्याचल पर्वत क्या है? तो विंध्याचल पर्वत भारत का विभाजक है। भारत का विभाजक का मतलब भारत को दो भागों बांटता है। भारत को दो भागों बांटता है उत्तर भारत, भारत को कितने भागों बांटता है? दो, उत्तर भारत और कौन से भारत? दक्षिण भारत। भारत को दो भागों बांट देता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। अब देखिएगा, वो एक क्वेश्चन और पूछता है, वह कौन सी नदी है जो भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटती है या विभाजित करती है? तो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में यहां पर एक नदी बहती है और इस नदी का नाम है नर्मदा। तो अगर पर्वत नहीं तो नदी पूछ लेगा और नदी का नाम बता देंगे नर्मदा, ठीक ना। चलिए नदी को हम मिटा देते हैं। अभी यहां समझिएगा कि यूपी है और ये एमपी है, तो यह एक ऐसा पर्वत है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य में भी क्या बना रहा है? सीमा बना रहा है। तो यहां पर हम एक और लिखेंगे, यूपी, एक कलर दिख रहा है आपको, हल्का है, थोड़ा सा डार्क वाला ले लेते हैं। विंध्याचल पर्वत यूपी एवं एमपी, यूपी एवं एमपी के मध्य, यूपी एवं एमपी के मध्य सीमा बनाता है, यूपी एवं एमपी के मध्य सीमा बनाता है, यूपी के मध्य सीमा बनाता है और एमपी के मध्य सीमा बनाता है। अब अगर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बना रहा है तो उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई यहां पर जिले होंगे, होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो जहां पर उत्तर प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है वहां पर उत्तर प्रदेश के दो जिले आपको याद रखने हैं, उत्तर प्रदेश के दो जिले आपको याद रखने हैं। एक तो है सोनभद्र, सोनभद्र मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोलता जा रहा हूं, सोनभद्र। और सोनभद्र के बारे में यह याद रखिएगा कि यह उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी। आपके में यूपी स्पेशल भी आएगा, रवि सर और मैं आपको दोनों लोग आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कराएंगे। जो भूगोल वाले पार्ट्स हैं उनको मैं देखूंगा, अन्य पार्ट्स को आपको रवि सर तैयार कराएंगे। तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला पूछेगा, सोनभद्र है, विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन्हीं एक जिला और लिख देते हैं पहले, फिर आगे बताएंगे, मिर्जापुर। तो यहीं पर सोनभद्र और मिर्जापुर जिले हैं विंध्याचल पर्वत के समीप। कई बार पूछता है विंध्यन या बिंद पर्वत, बिंद जिलों के नाम, बिंद जिलों के नाम से कौन से जिले जाने जाते हैं? ऐसे जिले जो विंध्याचल पर्वत के समीप हैं उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र और मिर्जापुर हैं। तो सोनभद्र और मिर्जापुर हो गए। अब सोनभद्र और मिर्जापुर तो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी तो कोई ना कोई जिले होंगे, तो मध्य प्रदेश के जिलों को हम यहां पर इस प्रकार से लिख दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के जिलों को हम यहां पर इस प्रकार से लिखे दे रहे हैं। तो देखिएगा यहां पर मध्य प्रदेश में आपको क्या क्या मिल जाएगा विंध्यन पर्वत के समीप? पन्ना, नाम सुने हैं, हीरा मिलता है,
सतना, रीवा, एक स्थान है सीधी, एक स्थान और सहडोल। ये जिले यहां के याद रखिएगा, सहडोल नर्मदा नदी घाटी के क्षेत्र में आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर सीमा बनाता है तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं यहां पर, और मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं, तो ये आपके जिले हैं। उत्तर और मध्य प्रदेश के मध्य में भी सीमा बनाता है और भारत को भी दो भागों बांटता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। यहां देखिएगा, अगली बात बताते हैं आपको, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक ना बाबू, इसको मिटा दे रहे हैं। अभी अभी मैंने बताया था कि जो आपका विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र है, इस विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र से आधात्मिक खनिज मिलते हैं। आधात्मिक खनिज ऐसे खनिज जिनमें धातु का अंश ना पाया जाए। जैसे एक मैं खनिज का नाम लिख रहा हूं, हीरा, डायमंड। बताइएगा क्या डायमंड में किसी भी प्रकार का खनिज पाया जाता है? नहीं पाया जा रहा, आधात्मिक है, पत्थर का होता है। और बताइएगा भारत देश में सबसे ज्यादा हीरे की प्राप्ति कहां से होती है? तो भारत देश में सबसे ज्यादा हीरा पन्ना से मिलता है। तो अगर आपसे पूछे कि पन्ना में या पन्ना के क्षेत्र में हीरा मिलने का कारण क्या है, तो पन्ना के क्षेत्र में हीरा मिलने का कारण है विंध्यन क्रम की चट्टानें। और विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं उनमें अधात्विक खनिज पाए जाते हैं और हीरा एक अधात्विक खनिज है। दूसरा देखिएगा, संगमरमर संगमरमर पाया जाता है यहां पर, हीरा संगमरमर पाया जाता है। और क्या पाया जाएगा? हीरा हो गया, संगमरमर हो गया आपका, और क्या है? चूना पत्थर है, चूना पत्थर है, बालू का पत्थर है, लाइमस्टोन और बालू का पत्थर है, सैंडस्टोन, बालू का पत्थर, सेल खड़ी है, सेल खड़ी लिखा दिया था, जिप्सम लिख देता हूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। जिप्सम, जिप्सम कच्चा माल है, CaSO4 × 2H2O इसका फॉर्मूला होता है। और जिप्सम के माध्यम से हम निर्माण करते हैं सीमेंट का, यानी सीमेंट उद्योग के लिए जिप्सम कच्चा माल होता है। सीमेंट उद्योग के लिए जिप्सम जो है वो क्या होता है? कच्चा माल होता है। सीमेंट उद्योग के लिए जिप्सम क्या होता है? कच्चा माल। तो जहां से हमें कच्चे माल अर्थात जहां से हमें जिप्सम की प्राप्ति होगी वहां पर हम क्या लगाएंगे? वहां पर हम सीमेंट उद्योग लगाएंगे। तो बताइएगा, अगर यहां से जिप्सम मिल रहा है विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र से, तो जिप्सम मिलने के कारण तो यहां पर क्या मिल रहा है हमें? यहां पर जिप्सम मिल रहा है, और जिप्सम मिलने के कारण ही हम यहां पर क्या लगाएंगे? यहां पर हम सीमेंट उद्योग लगाएंगे। यहां पर क्या लगाएंगे? तो यहां पर हम सीमेंट उद्योग लगाएंगे। तो एमपी के इन क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग है, और यूपी के इन क्षेत्रों में सोनभद्र और मिर्जापुर में सीमेंट उद्योग का विकास किया गया। आपसे पूछेगा मिर्जापुर और सोनभद्र में सीमेंट उद्योग का विकास, यूपी स्पेशल पढ़ा रहे हैं हम आपको, उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सीमेंट उद्योग है? तो सोनभद्र और मिर्जापुर, आप लोगों ने नाम सुन रखे होंगे, चुर्क और चुनार। चुर्क और चुनार नामक स्थान है जहां से हमें क्या मिलता है, या जहां पर क्या सीमेंट उद्योग है। आपसे पूछेगा कि मिर्जापुर और सोनभद्र में क्यों सीमेंट उद्योग स्थापित किए गए? तो क्योंकि यहां पर कच्चे माल के रूप में, कच्चे पदार्थ के रूप में क्या मिलता है? जिप्सम मिलता है। क्या मिलता है? जिप्सम मिलता है। अगली बात यह है कि यहां पर सोनभद्र में एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, बॉक्साइड, एल्यूमिनियम की भी प्राप्ति होती है यहां से, Al, एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है यहां से, किसकी? एल्यूमिनियम की भी प्राप्ति होती है। और एल्यूमिनियम की प्राप्ति होने कारण नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का यहां पर फैक्ट्री लगाई गई है, जिसको नाम दिया जाता है नालको। उत्तर प्रदेश में एक एल्यूमिनियम की कंपनी है, एक एल्यूमिनियम का प्लांट है, एल्यूमिनियम इस्पात उद्योग, सॉरी एल्यूमिनियम उद्योग कह सकते हैं आप नालको। और पूछा जाएगा कहां पर है? सोनभद्र में। और सोनभद्र तो जिला है, सोनभद्र में कहां है? तो बहुत बार नाम सुने होंगे रेणुकूट का, बहुत बार नाम सुने होंगे आप कि कहां पर है? रेणुकूट में है। कहां पर है? रेणुकूट। तो एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है सोनभद्र से, यहां पर नालको की कंपनी लगाई गई है, नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, और कहां पर है? तो सोनभद्र के रेणुकूट में है। आपके सामने पर्वतीय क्षेत्र है, कौन सा? विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र। कौन सा? विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र। भारत का विभाजक है, यूपी एवं एमपी के मध्य सीमा बनाता है, आधात्मिक खनिजों की यहां से प्राप्ति होती है। और अगर मानचित्र में देखना चाहें तो मानचित्र में हम आपको दिखा सकते हैं, देखिएगा ए है आपका, ए वाला क्षेत्र है। और अगर मैंने एक मानचित्र और लिया था, इस वाले मानचित्र में देखेंगे तो ये लिखा है विंध्यन रेंज, ये है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। बोलिएगा।
दो पर्वतीय क्षेत्र हमने पढ़ाए, कहीं पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। एक भी क्वेश्चन आप जाइएगा उठा के प्रीवियस ईयर का कोई भी बुक आती हो, जैसे घटना चक्र आता है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं पीसीएस से लेकर, आप जो परीक्षा का देखना चाहें देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा, इससे बाहर से एक क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं ही नहीं मेरी पूरी टीम ये प्रॉमिस करती है आपसे कि कोई भी पेपर लेके आइएगा, यदि आप हमसे पढ़े हैं, पूरा कोर्स आपने ईमानदारी के साथ पढ़ा है, तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो हमारे नोट्स से ना आया हो, हमारे ही नोट से आएगा। बस बाबू कंडीशन इतनी है कि मैंने तो पढ़ा दिया और आपने लिख लिया, अब आप उस एग्जामिनेशन हॉल में करके आते हैं या करके नहीं आते हैं, इसमें हम टीचरों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम क्लासरूम के बाहर तक आपके साथ हैं, यानी एग्जामिनेशन हॉल के बाहर तक हैं आपके साथ। एग्जामिनेशन हॉल में आप, आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपका धैर्य आपके साथ है, और आप उसी धैर्य बुद्धि विवेक के साथ उस पेपर को क्लियर करना है, और उस पेपर को क्लियर करने के लिए हमारी टीम आपके साथ लगी हुई है। एकलव्य बैच चला जा रहा है यूपीएसआई के लिए, और उस बैच में पाने के लिए नीचे स्क्रॉलिंग में नंबर भी चल रहा है हमारा, आप बात करना चाहते हैं, किसी प्रकार की शंका है समाधान हो जाएगा, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और इस पर आपको केवल जो नंबर दिख रहा है एंट्री यूपीएसआई 2021 लिखकर सेंड कर देना है, एडमिशन से संबंधित प्रक्रिया आपको मिल जाएगी, ठीक ना। कंधे पर सितारे लगाना है तो टारगेट भी ताल्लुक आपको आना है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।